नो बोलते ना कि बच्चों से बड़ा कोई आर्टिस्ट नहीं होता और खासकर जब आज इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे और जो भी इनकी मस्ती देखेंगे आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई एम श्योर जिस तरह पूरा हिंदुस्तान इनको टेलीविजन पे एंजॉय करता है आज वी आर गोइंग टू सी ऑल दीज लाइव परफॉर्मेंसेस सबसे ड्रामेबाज तो डेफिनेटली सोनू होंगे हाँ उनमें बहुत एनर्जी है वो कहीं भी चढ़ जाते हैं चलान लगाते हैं फ्लाइट की तरह हैंग करते हैं तो मेरे ख्याल से वो भी आए हैं इस शो के लिए तो वो भी बच्चों को बहुत कुछ सिखाएंगे प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि आज हम पल्टन का हिस्सा हैं और लोगों को ट्रेलर्स पसंद आ रहे हैं सॉन्ग्स पसंद आ रहे हैं और आई थिंक जो हिंदुस्तान की जो कॉर्ड है इमोशनल जो अपने देश के लिए पेट्रियाटिक कॉर्ड है वो कहीं ना कहीं छुई है एंड लेट्स शो फॉर द बेस्ट बहुत अच्छी बात है आई थिंक बॉर्डर एक ऐतिहासिक फिल्म है तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रहती हैं जब व्हेन इट कम्स फ्रॉम अ डायरेक्टर लाइक जेपी दत्ता बट होपफुली कि हम भी जो बॉर्डर ने कमाल दिखाया हम लोग भी उसका कुछ परसेंट कर पाएँ तो आई थिंक फिंगर्स क्रॉस्ड बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि हम सब रियल ऑफिसर्स प्ले कर रहे हैं और फिक्शन नहीं है ये रियल है तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील हो रही है और बाकी मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहली बार मैं बड़े स्टार्स के साथ काम कर रहा हूँ साथ में तो बहुत मुझे खुशी है बहुत सीखने को मिल रहा है ऐसी कहानी है जो अब तक हमारे लोगों तक नहीं आई यू नो ये एक कहाँ खो गई थी किसी को पता नहीं क्यों छुपाई गई थी किसी को पता नहीं तो मगर बहुत ही अच्छी फिल्म है एक फिल्म है जिसमें आई थिंक इंडियन आर्मी को एक बहुत बूस्ट मिलेगा हम सारे इंडियंस को बहुत बूस्ट मिलेगा और जेपी दत्ता सर आ रहे हैं आफ्टर 12 ईयर सबैटिकल अपनी वॉर ट्रिलॉजी कंप्लीट करने के लिए तो इट्स अ प्राउड मोमेंट टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ फिल्म और ऐसी फिल्में करने को बहुत कम मिलता है सो आई होप कि दर्शक भी जाके उसे उतना ही प्यार दे जितनी मेहनत और प्यार हमने दी